इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बनाए। देखिए इस वीडियो में स्लीव डिजाइन के बारे में बता रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर बनने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो देखिए ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है और देखिए ये मैंने पेपर लिया है। तो पहले ड्राफ्ट हम पेपर पर कर लेंगे। तो जितना ज़्यादा आप पफ बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप कपड़ा ले लें। जैसे कि मैं अभी आपको बता देती हूँ कितना लिया मैंने, ये 14 इंच लिया है डबल फोल्ड में, एक स्लीव का है ये। और इसकी जो लंबाई ली है मैंने 7 इंच ली है, आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। तो अभी हम इसकी शेप देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से नॉर्मल हम क्या है 3.5 इंच से इसकी गुलाई करते हैं, इसमें हम 4 इंच ले रहे हैं क्योंकि इसमें पफ आने वाला है। तो 4 इंच की निचाई से हम इसकी गुलाई करने वाले हैं। तो यहाँ से इस तरीके से लेते हुए जो कि हमारी यहाँ पर कटिंग हो जाएगी इसकी। और अभी हम यहाँ पर शेप देने वाले हैं, जो डिज़ाइन आने वाली है ऊपर से। इस तरीके से टेप को सेंटर में रख लेंगे और सेंटर से यहाँ पर हमने 4 इंच ले लिया, जितना आप लंबा रखना चाहें 4 इंच या 4.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच ले लिया है। और जो 4 इंच लिया है अभी हम 4 इंच को नीचे से यहाँ से इसकी गुलाई करेंगे, यहाँ से इस तरीके से लेते हुए जाएंगे। अभी इन दोनों पार्टों को हम कट कर लेते हैं, नीचे साइड से भी ऊपर का। तो ये तो देखिए जो कि हमारा ये मोहरी की साइड में आएगा ये वो डिज़ाइन है, और अभी जो आम बोल की साइड में आएगा यहाँ से कट करते हैं। देखिए इस तरीके से इसका ड्राफ्ट रहेगा। अभी यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे देंगे। देखिए इस तरीके से इसका कुछ ड्राफ्ट, देखिए जो सेंटर पार्ट है यहाँ से हम यहाँ पे 5 इंच तक एक डॉट लगा लेते हैं। अभी जो 5 इंच की डॉट लगाई है इस तरीके से हम अपनी साइड में रख लेते हैं जो कि शेप देने में आसानी रहे। यहाँ से जो हमने ये वी कट दिया है यहाँ तक इसकी, अब इसको भी इसी मार्किंग पर कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसका जो ड्राफ्ट है रहेगा। तो जो ये वाला पार्ट रहेगा इसमें हमारी फ्रिल आएंगी, ऊपर की साइड में भी आएंगी और नीचे की साइड में भी आएंगी। तो आपको बताती हूँ कैसे डालना है फ्रिल। अभी जो हम कपड़ा कट करेंगे तो एक पार्ट को रख के इस तरीके से कट कर लेंगे, दूसरे पार्ट को रख के इस तरीके से। तो देखिए ये वाली इस पार्ट की भी प्लेट आने वाली, इस तरीके से हमें इसमें पूरे में प्लेट डालेंगे। जितना हमारा आम होल के लिए चाहिए उतना पार्ट हम रख लेंगे, बाकी का प्लेट डाल लेंगे। जैसे आप 32 साइज या 34 साइज का जो भी आप साइज़ का बना रहे हैं अपना मार्जिन देख लें कितना। जैसे मैं यहाँ पर 6 इंच ले लेती हूँ, 6 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर 6 इंच पर कट कर दूँगी और 6 इंच से मैं पूरे में इसमें प्लेटें डाल। तो देखिए इसी तरीके से मैंने ये कपड़ा भी कट कर लिया है। अभी यहाँ पर जो पाइपिंग लगाने वाले हैं उसके बारे में बताती हूँ। पाइपिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, जैसे मैंने ये गोल्डन लिया है तो कोई भी बचा हुआ टुकड़ा है इस तरीके से। तो इसको हम क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे, जब भी पाइपिंग बनाते हैं हम क्रॉस में ही कटिंग करते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम 1.5 इंच की चौड़ाई में ये पाइपिंग कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं और भी कट कर लूँगी और उनको इस तरीके से क्रॉस में जॉइंट करना है, जॉइंट कर देंगे तो ये लंबी पट्टी तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं और भी कट कर ले। तो देखिए जो ये पीस हमने कट किए हैं अभी हम प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर भी प्लेट आएंगी हमारी और ऊपर की साइड में अभी आएंगी। तो देखिए जो हमने कट दिया था ऊपर की साइड में जो मुड्डे की साइड है यहाँ पर प्लेट डाल लेते। तो देखिए इस तरीके से है, अभी हम जो यहाँ पे प्लेट डालेंगे यहाँ पे इस तरीके से उल्टी डाल। तो देखिए इस तरीके का ये हमारा यहाँ पे पफ आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम पाइपिंग लगा, जो मैंने पट्टियाँ कट की थी तो देखिए सभी पट्टियाँ मैंने जॉइंट कर ली हैं, डबल फोल्ड कर लूँगे। और देखिए ये तो हमारा जाएगा आर्म होल की तरफ और ये वाला पार्ट जाएगा हमारा मुड्डे से लेके मोहरी की साइड में। तो यहाँ पे हम ये पाइपिंग स्टार्ट करते हैं, इसको हल्का सा खींच लेंगे पाइपिंग को और जो नीचे वाला कपड़ा है हल्का सा लूज छोड़ेंगे। देखिए इसको भी मोहरी की साइड से ही स्टार्ट करेंगे, तो डबल फोल्ड कर लेंगे सेम इसी तरीके से। तो देखिए इस पार्ट में पाइपिंग स्टिच कर दी है, देखिए ये पार्ट भी हमारा कितना सुंदर सा ये पप तैयार हो गया। अभी इसको इसमें अटैच करते हैं। देखिए इस तरीके से हम रख लेंगे इस पार्ट को, जो ये कोना है जहाँ से हमने ये क्रॉस में कटिंग किया था इस कोने को हम यहाँ पे इस तरीके से
स्टिच करेंगे। देखिए तो इसको पहले पिनअप कर लें और फिर यहाँ से हम इसके ऊपर यहाँ तक स्टिच डाल देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा पफ हमारा तैयार हो जाएगा। मैंने इसकी फिटिंग कर दी है, तो आप देख रहे हैं जब फिटिंग कर देंगे आप तो यहाँ पे इस तरीके का आपका वी कट दिखेगा और यहाँ पे ये पाइपिंग आएगी और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस साइड में भी पफ दिखेगा आपका और जो आप आर्म होल में स्टिच करेंगे इसमें भी पफ दिखा, तो यहाँ पे ये स्टिच हो जाएगा तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा पहनने के बाद। तो आप इस आसान तरीके से ये डिजाइनर पफ स्लिप बना सकते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।